आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ के साथ एक्शन करेंगे शाहरुख खान। क्या स्पाई यूनिवर्स में फिर लौटेगा पठान? इस बार शाहरुख खान का होगा आलिया भट्ट संग एक्शन। जी हाँ, खबर आ रही है कि शाहरुख खान आलिया के फिल्म अल्फा में पठान वाले रोल में दिखाई देने वाले हैं और अब शाहरुख के कैमियो की खबर ने फैंस के बीच सनसनी मचा डाली है। तो आइए जानते हैं कि अल्फा में शाहरुख खान के होने की जो हवा उड़ रही है आखिर उसकी सच्चाई क्या है। और इस बात पर हिंट और किसी ने नहीं बल्कि अल्फा की एक्ट्रेस शर्वरी वाघ ने अपने एक नए इंटरव्यू में दिया है। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में शर्वरी ने अल्फा और YRF के स्पाई यूनिवर्स को लेकर के बात की है। उन्होंने इसी क्रम में शाहरुख खान की भी जमकर तारीफ की है। शर्वरी का कहना है कि स्पाई फिल्म अल्फा में एक्शन सीन्स को लेकर वो हाई लेवल पर एक्साइटेड हैं। उन्हें सेट पर बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये फिल्म भारत में अपनी तरह की पहली फिल्म है जिसमें दो महिला एक्टर्स लीड रोल में हैं और एक्शन करती हुई दिखेंगी। इतना ही नहीं, शर्वरी ने शाहरुख खान की तारीफ की और तारीफ करते हुए उन्होंने स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में पठान के कैमियो के हिंट भी दिए हैं। शर्वरी ने कहा, स्पाई यूनिवर्स के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और जब उसमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के साथ अपना नाम देखा तो मेरे पास खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। हालांकि शर्वरी ने इस इंटरव्यू में सीधे तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से शर्वरी बार बार शाहरुख का जिक्र अपने इस इंटरव्यू में कर रही थी, कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पठान का कैमियो हो सकता है। वैसे भी सलमान खान स्टारर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, लिहाजा जब शाहरुख खान की पठान आई तो उसमें टाइगर यानी सलमान का कैमियो था। इसी तरह टाइगर 3 में पठान यानी शाहरुख खान का कैमियो था। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि अल्फा में शाहरुख खान के कैमियो पर पक्की मुहर कब तक लगती है। वेल, आप बताइए आपको क्या लगता है कि अल्फा में शाहरुख खान का कैमियो होना चाहिए? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।